प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। साध संगत जी, आज 70वें समागम के पहले दिन ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है, जहाँ हिंदुस्तान से ही नहीं बल्कि दुनिया भर के अनेकों स्थानों से आप महापुरुष यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और इस समागम का आनंद ले रहे हैं। साध संगत जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले डॉक्यूमेंट्री भी देखी कि इस समागम की शुरुआत ईदगाह के मैदानों से हुई और उसके बाद दिल्ली के और अनेक स्थानों में ये समागम होता रहा, चाहे वो लाल किला के पीछे या रामलीला ग्राउंड या रेडियो कॉलोनी में या जहाँ आजकल 8 नंबर ग्राउंड में दिल्ली में संडे का सत्संग होता है, उसके सामने ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, उसमें स्थान भले ही चेंज होते रहे, जगहें बदलती रहीं, पर वो ब्लिस और मिशन की शिक्षाएं हमेशा एक ही रही हैं, शुरू से वही रही हैं। बाबा जी ने भी हमें हमेशा यही शिक्षा दी कि हमने एक अगर अच्छा इंसान बनना है तो अपने लिए बनना है, बी अ बेटर यू फॉर यू। दुनिया के भले किसी भी कोने में रहें, एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस के साथ रहें, एक दूसरे के काम आते रहें, इस निरंकार से, इस ज्ञान से जुड़ के रहें हमेशा। साध संगत जी, जहाँ विश्वास, भक्ति और समर्पित भाव एक भक्त का गहना होता है, भक्ति का एक अहम हिस्सा चेतना भी होती है। संत जानता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में किस बात को अपनाना है और किस बात को छोड़ देना है। विजडम इज़ लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे, बट विजडम इज़ ऑल्सो लेटिंग गो ऑफ समथिंग ईच डे। साध संगत जी, आप महापुरुष जानते हैं कि हमने किसी की बात या किसी के कर्म को देख के इस ब्रह्म ज्ञान के साथ नहीं जुड़ना, हमने जुड़ना है तो निरंकार के लिए जुड़ना है, इस ज्ञान के लिए जुड़ना है। संत जहाँ भी जाते हैं अपनी भक्ति की सिखलाई साथ लेके जाते हैं, अपनी भक्ति की महक साथ लेके जाते हैं, उस महक से सारे संसार को महका देते हैं, अपनी ज्ञान की शिक्षाएं बांटते हैं जगह जगह। साध संगत जी, बाबा जी फरमाते थे, सम पीपल लुक फॉर अ ब्यूटिफुल प्लेस बट अदर्स मेक द प्लेस ब्यूटिफुल। साध संगत जी, रात को तेज़ बारिश हो रही थी और संगतें पंडाल से बाहर आके भी गीत गा रही थी और इस ज्ञान की मस्ती में थी, तो एक बावे की लाइन और याद आई। बावे फरमाते थे, दे वर सीन डांसिंग इन द रेन हु हैड कॉइन्स इन देयर पॉकेट। जो इस निरंकार से जुड़े हुए हैं, अपनी भक्ति में हमेशा मस्त रहते हैं, जो मर्जी हो जाए, जैसे मर्जी हालात हों, वे अपनी भक्ति के साथ ही, इस निरंकार के साथ ही जुड़े रहते हैं। अभी आपने संपूर्ण हरदेव वाणी का भी जिक्र सुना, बाबा जी की शिक्षाओं से भरी हुई है, उसी की एक लाइन आज सवेरे पढ़ने को मिली। दुनिया की बातों का मन पर भक्त असर ना लाते हैं, कभी नहीं विश्वास को अपने कम वो होने देते हैं। इन संतों की कदर, इस नंकार पे विश्वास हमारा हमेशा बना रहे, और जिस पॉजिटिविटी के साथ बाबा जी ने चाहा, उस पॉजिटिविटी के साथ हम ये जीवन जीते रहें। और बाबा जी जैसे फरमाते थे, हम भी एक दूसरे को, इस संगत को अपने सिर का ही ताज मान के एक दूसरे के साथ प्यार करते हुए, एक दूसरे को संभालते हुए इस ज्ञान की
ज्योति को दुनिया के कोने कोने में फैला पाएं। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन रंग का।